देखिए, आज हम आप लोगों को एक टेस्ट की कॉपी दिखा रहे हैं जिसमें हाई स्कूल के लड़के ने पूरा का पूरा पेपर किया और पाठक स्टाइल्स किया था। कैसे आप कॉपी पर लिखोगे पूरा पेपर? कितने को होगा? 50 नंबर को होगा। कारण ये कि 30 तो आपको स्कूल से मिलेगा, 20 नंबर आप EMQ रनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करेंगे, MCQ से, और बाकी जो लिखने का तरीका है वह कैसे लिखोगे यह हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज बहुत ध्यान से देखना होगा, यह पूरा इसी पैटर्न पर आपको देखना होगा। देखिए, बच्चे की राइटिंग बिल्कुल साफ है, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन साफ उसने लिखा है। अब चूंकि लिखा है साफ तो एग्जामिनर को नंबर देना पड़ेगा। कुछ लड़के ये कहते हैं कि सर जी हमारी राइटिंग बनती नहीं है, हमको कैसे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जरूरत, जो लिखो बिल्कुल साफ सुथरा लिखो और उससे एग्जामिनर बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। कुछ लड़कों की राइटिंग बनती है और कुछ की नहीं बनती है, तो आपकी नहीं बनती है तो आप उससे हताश ना हो। बस केवल एक जो पैटर्न हम सिखा रहे हैं उसको आप अडॉप्ट करोगे तो निश्चित है कि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा। आइए बेटा, हाई स्कूल की कॉपी एक जानते हैं, लड़के का नाम है सार्थक वैश, कक्षा 10 का है। देखिए, पहले आपको पहला क्वेश्चन होता है अनसीन पैसेज, कैसे लिखोगे? आंसर नंबर एक, अनसीन पैसेज, देखो ऊपर लिख दिया। इसके बाद उसने लिखा हैंड्स, यानी कि किसका लिखने जा रहे हो अनसीन पैसेज, उसका आदि और अंत देखो लिखा उसने डैश डैश करके। फिर उसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा स्पेलिंग लिखनी चाहिए बेटा, यही इन्होंने गड़बड़ी की। क्वेश्चंस नहीं होता बेटा, क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन लिख रहे हो तो क्वेश्चन लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूरा क्वेश्चन उतारा और उसके बाद लिखने की स्टाइल देखो। आंसर अकॉर्डिंग टू राइटर ऑफ द अबव पैसेज द मॉडल, बिल्कुल सही, क्या स्टाइल होता है इसमें, ऊपर लिखे हुए पैसेज के लेखक के अनुसार, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा आपको। इसमें कहीं वो जवाब भी जो नीचे लिखा हो बिल्कुल सही है, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, क्या लाइन है बेटा, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, बिल्कुल सही लिखा बेटा। अब आप इसमें कहां से नंबर काटोगे बेटा, इसमें आपको 6 में 6 नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वोकैबुलरी एक आई नीड्स, देखो वर्ड मीनिंग रिक्वायरमेंट, यह 1 नंबर का है, पूरा नंबर मिल गया बेटा। अब देखिए लेटर राइटिंग का ये पाठक स्टाइल है बेटा, इसी पैटर्न पर आपको क्या करना है लिखना। देखिए आंसर नंबर दो, राइटिंग लेटर, बिल्कुल सही लिखा बेटा, यहाँ राइटिंग ना लिखते, यहाँ लेटर लिख देते तब भी अच्छा था। देखिए लिखने का एक सिस्टम होता है बेटा, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही जवाब बेटा। देखिए सब कुछ बिल्कुल नपा तुला बिल्कुल लिखा बेटा, इस प्रकार का पैटर्न है। तो अब आप इसको कितने नंबर का है, 4 नंबर का, तो आपको 4 में 4 नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका सही है बेटा। इसके बाद यह आर्टिकल है जो इससे नहीं पहले आता था, अब वो आर्टिकल करके आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। देखो बेटा, इसने ये हेडिंग डाली, इसके बाद यह कोटेशन लिखा। हाँ, थोड़ा सा इतनी दूर में अगर हेडिंग आप डालना चाहते हो इन बर्ड्स आइज करके लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं डाला है तो आप इसमें नंबर नहीं काट सकते हो, क्योंकि लड़के ने बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा। देखो ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें कट पिट नहीं है और साफ सुथरा है बेटा, आपको पूरा नंबर देना पड़ेगा। कितने नंबर का है बेटा? 6 नंबर का है। कितने नंबर का? 6 नंबर, पूरा पूरा दे दिया एक। अच्छा, ये जो नीचे लाइन खींची है इसको खींचने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सही लिखा बेटा। अब इसके बाद ग्रामर पोर्शन आया, ग्रामर पोर्शन में देखिए नरेशन हेडिंग डाली, डायरेक्ट नरेशन ये है, इनडायरेक्ट ये है, यू वॉच देम इफ यू वॉच ए फूल, बिल्कुल सही जवाब बेटा। अब 2 नंबर हो गया आपका, 2 नंबर पक्का, ही इज नॉन वेरी टू मी, बिल्कुल सही है, पैसिव वाइज सही बेटा, बिल्कुल 2 नंबर। ही सेड टू हिज फ्रेंड रवि, एक पंक्चुएशन बेटा, ही सेड टू हिज फ्रेंड रवि कामा इन्वर्टेड कामा रवि कम, बिल्कुल सही जवाब बेटा, आप नंबर नहीं काट सकते हो। अब इसके बाद
ट्रांसलेशन जो यहाँ इस लड़के ने डाला, इसको आप यहाँ प्लेग डालते तो ज्यादा अच्छा होता है। यानी तीन लिखने के बाद ये इतना जगह छोड़ करके यहाँ लिखना चाहिए था। बहरहाल लिखा उसने ठीक है, अभी तो पहली बार लिखा है लेकिन काफी अच्छा लिखा बेटा, और इनका ट्रांसलेशन भी पूरा का पूरा क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरजू, बिल्कुल इट इज कंसिडर्ड होली, बिल्कुल सही बेटा। चार नंबर का है, चार नंबर पूरे के पूरे मिले, कहीं से गलती नहीं है तो कहां से काटोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप लिखोगे तब एग्जामिनर प्रभावित होगा, आपको अच्छा से अच्छा नंबर देगा। अब देखिए बेटा लिटरेचर में आ जाइए, शॉर्ट आंसर प्रोज का इसने लिखा, क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन ये पैटर्न जो लिखा है इसने, ये सही उठाया, क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू द राइटर जी एल फोन्टेस, नाम सुना होगा, बिल्कुल सही है। ए लेटर टू द गॉड, बिल्कुल आपका जवाब सही बेटा, आपको इसमें मिलेंगे तीन नंबर। फिर उसके बाद हु इज द ब्रेव अकॉर्डिंग मंडेला, बिल्कुल सही बेटा, इन द ओपिनियन ऑफ नेशनल, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा, पूरे के पूरे नंबर मिले आपको तीन में तीन, न स्पेलिंग गलत है न कुछ कहीं, बिल्कुल प्रेजेंटेशन इसी ढंग से होना चाहिए बेटा। यानी कि इसने एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को परोसा है। अब देखिए बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेशनल, हम ना गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नेशनल मंडेला, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द राइटर, देखो पार्ट का नाम आया, लेखक का नाम आया, तो आप जो है इस पैटर्न पर देखिए नीचे कोटेशन लिखा, उसको अंडरलाइन भी किया, यह जो है आपका चार नंबर का है, बताइए आप कहां से नंबर काट सकते हो, काट सकते हो नहीं, इसको आपको पूरे के पूरे नंबर देने पड़ेंगे, चार नंबर का है, चार में चार मिला। इसके बाद देखिए पोएम का, पोएम एक लिखनी होती है चार चार लाइन की, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द राइटर द पोएट, यहां लिखना चाहिए था, चलो ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बिल्कुल सही जवाब है। ये देखिए पूरा एकदम स्पेलिंग चार लाइन किसने कविता लिखी है, बिल्कुल चौकस लिखा बेटा, एक नंबर काट देते हैं क्योंकि यहां पर पोएम यहां पोएट लिखना चाहिए था, ये तीन नंबर का है, इनको यहां पर दो नंबर हमने दिया, ठीक है। फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया लिखना कहता बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखो यहां पोएट लिखा, यहां पर भी इसको पोएट लिखना चाहिए था ना, अब इस पर आप नंबर काट सकते हो क्या, अरे बच्चा है भाई, जल्दी जल्दी में गलती हो गई लेकिन बहुत अच्छा लिखा बेटा। हम ये कह रहे हैं राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत जोरदार है, इसलिए आप इसका नंबर नहीं काट सकते हो बेटा। द वंडरफुल पोएम, बिल्कुल सही लिखा बेटा, बिल्कुल सही है, आपको तीन नंबर देना पड़ेगा क्योंकि सब सही हो। अब देखिए सप्लीमेंट्री से दो लॉन्ग दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक करना होता है, लड़के ने दोनों कर दिया, ये गलती कर दी। तो ये जो है पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ थी हरी सिंह वाज अकॉर्डिंग टू द राइटर रस्किन बॉन्ड, हरी सिंह बिल्कुल नरेटर है स्टोरी का, एकदम बिल्कुल सही जवाब बेटा, सही जवाब है। ये देखो क्वेश्चन लिखा, आंसर्स नहीं होगा यार, आंसर होगा, ठीक है, इतना थोड़ी थोड़ी गलती ना करो यार, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा, आपको तीन नंबर देना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। अब ये हम क्वेश्चन काट दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो लिखोगे वही चेक होगा, दूसरा ज्यादा लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब इसी पे सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, थीव्स स्टोरी रस्किन बॉन्ड, देखिए लेसन द राइटर, ये क्वेश्चन ये आंसर कहां से काटोगे नंबर, एक कमी इसने की है बेटा कि इसने अंडरलाइन नहीं किया, करेक्टर लिख रहे हो तो करेक्टर में तो अंडरलाइन करना पड़ेगा ना मेन पॉइंट का, बिल्कुल सही है, बहरहाल अंडरलाइन की कमी है, बाकी और कोई कमी इसमें नहीं है, तो इसको आपको नंबर देना पड़ेगा कितना बेटा, चार, चार में चार नंबर मिला बेटा, ठीक है। आप बताइए कहां से काटोगे, पूरा पेपर हो गया बेटा। अब हम नंबर जोड़ देते हैं, चार तीन सात, सात तीन दस, दस दो बारह, बारह और दस बाईस, बाईस और दस बत्तीस, बत्तीस और छह अड़तीस, अड़तीस और चार बयालीस, एक तैतालीस, तैतालीस और छह
49 50 नंबर की कॉपी है लड़के को मिला बेटा, देखो इधर 49/50 यानी कि केवल एक नंबर हमने जबरदस्ती काटा है, जबकि बच्चे को हमें भाई पोएट की जगह उसने राइटर लिख दिया तभी सही है, लेकिन नंबर काटना नहीं चाहिए, लेकिन हमने इसलिए काटा ज्यादा उसको घमंड ना हो जाए, इसलिए हमने एक नंबर जबरदस्ती काट दिया। यह जो है इस पैटर्न पर अगर आप काम देखो बेटा, आप कॉपी लिखने की प्रेरणा प्राप्त करो, इसी पैटर्न पर आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।